हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बोलेरो और ट्रेलर की भिड़ंत में ब्यावर के 6 युवकों की मौत, 2 के सिर धड़ से हुए अलग। जोधपुर जयपुर हाईवे पर सोमवार रविवार की मध्य रात्रि हुए एक भीषण सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सभी मृतक अजमेर जिले के ब्यावर के रहने वाले बताए गए हैं। ब्यावर की तरफ जा रही बोलेरो डांगियावास के समीप ओवरटेक के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ गई। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 युवकों के सिर कटकर अलग हो गए, जबकि 2 की देर रात अस्पताल ले जाते समय और एक अन्य युवक की सोमवार अल सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। ओवरटेक करने के चक्कर में हुई दुर्घटना। डांगियावास पुलिस के अनुसार डांगियावास हाईवे पर 17 मील के पास रविवार देर रात 11:45 पर ट्रेलर व बोलेरो में आमने सामने की भिड़ंत हुई। जयपुर रोड पर एक शैक्षणिक संस्था के पास ब्यावर जा रही बोलेरो ट्रक में जा घुसी। यहां सड़क निर्माण चल रहा है, इसके चलते एक तरफा यातायात किया हुआ था। बोलेरो तेज गति से ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रेलर से जा भिड़ी। बोलेरो में पूरी तरह फंस गए थे 7 युवक। हादसे के दौरान दोनों वाहन तेज रफ्तार के साथ एक दूसरे से टकराए। बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बोलेरो में सवार 7 युवक अंदर ही फंस गए। टक्कर लगते ही ट्रेलर का चालक वहां से भाग निकला। टक्कर होते ही वहां से निकल रहे अन्य वाहन चालकों व क्षेत्र के लोगों ने राहत कार्य शुरू किया। बोलेरो में सवार सभी 7 युवक इसमें बुरी तरह से फंस गए। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। 2 युवकों के सिर कटकर हो गए अलग। बोलेरो में फंसे युवक को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। तेज रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2 युवकों के सिर कटकर अलग हो गए। बाहर निकाले जाने तक 3 युवकों की सांसें उखड़ चुकी थी। घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में निजी वाहनों में उन्हें अस्पताल के लिए रवाना किया गया। रास्ते में 2 घायलों की मौत हो गई। हादसे में 6 की मौत, 1 घायल। सोमवार अल सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के लौंदरी मालव निवासी 7 जने बोलेरो में सवार थे। इनमें सुमेर सिंह 21 वर्ष, रावत राम 20 वर्ष, मनोहर 21 वर्ष, जितेंद्र उर्फ चीकू 21 वर्ष, राजेश 22 वर्ष व सिकंदर सिंह की मौत हो गई, जबकि चंदन सिंह 23 वर्ष, इनका उपचार चल रहा है। जानलेवा साबित हुआ तेज रफ्तार। इस क्षेत्र में निर्माणाधीन हाईवे पर कई जगह काम पूरा होने के बाद भी 8 से 10 किलोमीटर तक एक साइड बंद कर रखी है, इससे भी हादसे हो रहे हैं। कल रात हुए हादसा स्थल पर भी एक तरफा यातायात चल रहा था। ऐसे में बोलेरो चालक ने तेज रफ्तार के साथ एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर को वो देख नहीं पाया और तेज रफ्तार के साथ बोलेरो ट्रक से जा टकराई। जागरूक टीवी की जोधपुर से खास रिपोर्ट।